नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर फिर से जनपद जालौन से, जहां पर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही नजर आई है। वैसे तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि महिलाओं की कोई भी परेशानी हो उनमें उन्हें सुना जाए और त्वरित उनका निस्तारण किया जाए। महिला हेल्प डेस्क भी उनके लिए बनाए गए, लेकिन इसके बाद भी पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों पर रहम करती नजर आ रही है। ऐसा ही मामला आया जनपद जालौन से और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता देवेश कुमार सोनकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेश जी, क्या है जो चूंकि एक महिला जो काफी दिनों से पुलिस के चक्कर लगा रही थी और अब पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची है, क्या शिकायत है? जी नवीन जी, पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र के लालपुरा गांव से सामने रहा, जहां पर एक महिला जो महिला चूंकि अपने मायके में रहती है, अपने पिता के साथ रहती है। दरअसल उस महिला का कहना यह है कि उसका उसके पति के साथ विवाद चल रहा है। दरअसल पति उसको दहेज के लिए मारता पीटता था और शराब के नशे में आकर उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। इस वजह से वो अपने बेटे के साथ, लगभग 8 से 10 साल के आसपास का उसका बेटा है, उस बेटे के साथ वो अपने पिता के साथ रहती है। और उस महिला का कहना यह भी कि उसी चूंकि लालपुरा और आसपास के 3 गांव और मिलकर एक ग्राम सभा बनी है और उसका प्रधान रिंकू नाम का एक प्रधान है, वो एक दिन अपने 2 साथियों के साथ जो है उस महिला के घर में घुसा है और महिला के साथ उसने दुष्कर्म का प्रयास किया है। हालांकि महिला के द्वारा चीख चिल्लाने पर या उसके बेटे के जाग जाने पर परिजन उस ओर दौड़े हैं तो प्रधान वहां चूंकि मौके से 9-2-11 होता नजर आया है, ऐसा महिला ने आरोप लगाया है। और इसको लेकर महिला जब दूसरे दिन वहां थाने पहुंची है तो पुलिस ने चूंकि उस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच भी की होगी, पुलिस का कहना यह था कि महिला जो है साजिश के तहत प्रधान को फंसा रही है, लिहाजा उसकी बात नहीं सुनी गई थी। और धीरे धीरे इस घटनाक्रम के बाद महिला कई जगहों पर गई लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन कल जब वो फिर से वही घूम फिर के वही बात आती है कि पुलिस अधीक्षक तक वहां पहुंची है और पुलिस अधीक्षक ने जब इस पूरी घटनाक्रम को संज्ञान लिया है तो तत्काल उन्होंने जो है संबंधित थाना प्रभारी यानी कुठौन थाना प्रभारी को उस आरोपी प्रधान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो पुलिस के हस्तक्षेप के यानी पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद संबंधित प्रधान और उसके 2 साथियों के खिलाफ जो है धारा 354 IPC और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी तो इसमें एक तो लापरवाही नजर आती है कि पुलिस की, क्योंकि स्पष्ट तौर पे अगर महिला आरोप लगाती है तो सबसे पहले तो पुलिस का दायित्व तो बनता है जांच करे और अगर उसमें आरोप कहीं सत्य पाए जाते हैं तो मामला दर्ज करके भी कार्रवाई करे। लेकिन महिला का आरोप है कि 10-12 दिन उसे सिर्फ चक्कर लगवाया गया, उसकी सुनी नहीं गई, तो ऐसे में क्या उच्चाधिकारियों ने तो मामला तो दर्ज करने के आदेश दिए हैं लेकिन पुलिस की इस लापरवाही पर भी कुछ कार्रवाई की बात कही है क्या? जिस संबंध में अभी इस तरीके का कोई ऑफिशियल वर्जन मेरे पास नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को 2 नजरियों से देखना बहुत आवश्यक है। एक तो महिला का अपना नजरिया है, महिला का कहना यह कि उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया प्रधान और उसके साथियों ने। अच्छा, दूसरी तरफ आज जैसे ये जो है चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है, आज ही मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रधान की तलाश में दबिश देने शुरू किया पुलिस ने, तो प्रधान के समर्थन में लगभग आधा सैकड़ा के आसपास महिलाएं और पुरुष कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और उनका कहना यह है कि प्रधान निर्दोष है, महिला उसको साजिश के तहत फंसा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र कुमार गौतम को यानी खुद CO को इसकी जांच सौंपी है कि आप अपने स्तर से जांच कीजिए सत्यता क्या है। अगर वाकई में महिला का जो कथन है या महिला का जो आरोप है उस आरोप के आधार पर अगर सत्य लगती है तो तत्काल इसके विरुद्ध और जो धाराएं हैं सुसंगत धाराएं उसको सबमिट किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर संबंधित के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों का सिलसिला न्यूज बीके पर जारी रहेगा, देखते रहिए। मतलब प्रधान ने बदतमीजी की है। प्रधान आपके गांव का है? नहीं, ग्राम सभा में, मतलब ग्राम सभा में 4 गांव लगाते हैं, प्रधान बने हैं 4 गांव के। तो बिन्ने सोची है नहीं, तो मतलब हमसे बोली कि हम तुम्हें आवास दिलवाएंगे, तुम्हें पेंसिल बंधाएंगे, मेरी बात मानो, मेरा कहना मानो, मेरे साथ में रहो, जैसा कहें वैसा करो। तो हमने सर मना करी है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, चाहे मजदूरी करके खाए लेंगे। तो बोले नहीं करोगी तो तुम्हें हम देख लेंगे। तो हमने कही भाई ठीक है, देख लियो तुम। तो जी 23 तारीख 3 बजे घर में घुसे आएंगे,
तो इनने हमें मतलब पटक दिया है, कपड़ा वपड़ा खींच लिए और मारने की धमकी दी है। और हम मतलब हमारे बच्चा तो मम्मी हती नहीं घर पे, मम्मी कचड़ा डालन गई थी, मम्मी ने कही मतलब हमने रोए चिल्लाए पड़े थे, हमारा मतलब लड़का दौड़ो बोले का है मम्मी का है, हमने लला बचाओ हमें मतलब कोई है। संस्कार सेवा समर्पण शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग भोजला मंडी के पास ग्राम आरी झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627 7068280628।